दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिजनों के साथ अपने तलाक की फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। तो लड़का जो होता है उसका नाम विलास होता है, और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है। जो जज साहब होते हैं वह विलास से कहते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो। तो वह जो लड़का होता है जिसका नाम विलास होता है वह तलाक के लिए सहमति जताते हुए कहता है कि जज साहब मैं तो सहमत हूँ। उसके बाद जो जज साहब होते हैं उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं कि क्या तुम भी तलाक के लिए सहमत हो। जो उसकी पत्नी होती है वह भी कहती है कि जज साहब मैं भी तलाक के लिए सहमत हूँ। उससे पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप तलाक होने से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर जो जज साहब होते हैं वह गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि 4 साल से तुम दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है। पिछली दफा मैंने 6 महीने की तारीख तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम यह सोच समझकर एक अच्छी डिसीजन पर पहुंच सको। उसके बाद तुम्हारा तलाक फिक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने तुमसे यह भी कहा था कि अगर तुम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचते हो तो फिर मैं अपनी तरफ से फैसला सुनाऊंगा जो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब होते हैं वह भी इंसान थे। वह सोचने लगते हैं कि क्या पता इस रात के कारण इन दोनों की जिंदगी दोबारा से मिल जाए। वह यह सोचते हुए लड़की को एक रात के अपने पति के साथ बिताने की सहमति दे देते हैं और उसके साथ ही साथ कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम्हें फिर से कोर्ट में हाजिर होना होगा और उसके बाद तुम्हारा हमारा अंतिम फैसला होगा। यह बात सुनते ही जो लड़की के परिजन होते हैं वह अपनी बेटी को जज साहब के सामने ही भला बुरा कहने लगते हैं। उनकी यह बात सुनते ही जो जज साहब होते हैं वह कहते हैं कि आज से पहले जो तुम्हारी लड़की थी तुम्हारे साथ ही थी, तुम उसे समझा सकते थे। यह जो बात है, यह जो मैटर है कोर्ट तक नहीं आता। अब जो फैसला है वह तुम्हारी लड़की के हाथ में है। उसे अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। वह एक रात के लिए अपने पति के साथ रुक सकती है। तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जज साहब की यह बात सुनकर जो उसके परिजन होते हैं वो लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वह कोर्ट के बाहर आ जाती है और उसका जो पति होता है विलास वो भी कोर्ट के बाहर आ जाता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी सीमा होती है वह विलास से कहने लगती है कि चाहे तुम्हारा मन मेरे साथ एक रात बिताने का हो या ना हो, यह जज साहब का ऑर्डर है, एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। दोस्तों, जो विलास होता है वह उसे मना नहीं करता है। वह कहता है कि ठीक है। तो लड़की कहती है कि ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर लेकर चलूंगी और ना ही मैं अपने घर पर लेकर चलूंगी। आज की जो रात है हम एक होटल में बिताएंगे। तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें किस टाइम किस होटल में आना है और साथ ही साथ तुम्हें रूम नंबर भी दे दूंगी। दोस्तों, जो सीमा होती है वह होटल का कमरा बुक कर देती है। जो विलास होता है उसे शाम को 7 बजे होटल में पहुंचने के लिए कह देती है। जो विलास होता है एग्जैक्ट 7 बजे होटल पहुंच जाता है और जो रूम उसने बताया था उस रूम में चला जाता है। मगर उस रूम में सीमा नहीं होती है। वह उसका इंतजार करने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद जो सीमा होती है वह एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी में होटल के कमरे में प्रवेश करती है। उसको देखने के बाद जो उसका पति होता है विलास जो होता है उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो विलास होता है अपनी पत्नी को इस रूप में देखने के बाद भी बिल्कुल खुश नहीं होता है। निराश होकर वह बैठा होता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो सीमा होती है उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम ठीक ठाक हो। तो उसका जो पति होता है उसका कोई जवाब नहीं देता है। उसके थोड़ा और नजदीक आ जाती है, जब भी कोई जवाब नहीं देता है और बिल्कुल उसके साथ चिपक कर सट कर बैठ जाती है और अपना हाथ उसके कंधे पर डालते हुए रोमांटिक अंदाज में उसके कानों में कहती है कि जो आज की जो रात है यह तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वह कर सकते हो। आज मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों, जो विलास होता है मानो उसके कानों तक यह बात पहुंचती ही नहीं है। वह बिल्कुल उदास सा शांत सा बैठा होता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह अलग ही मूड में होती है। उसके बाद उससे बात करना चाहती थी। वह बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में होती है। उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है तो वह उसको झटक कर दूर कर देता है और कहता है कि क्या इसी बात के लिए तुमने जज साहब से कोर्ट में मेरे साथ एक रात बिताने का टाइम मांगा था। अगर यही बात है तो मैं यह सब नहीं करना चाहता। मेरी कोई इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने की। उसकी यह बात सुनकर जो सीमा होती है वह बिल्कुल गुस्सा नहीं होती है, बिल्कुल शांत होती है। शायद वो इस रात के लिए वह कुछ और अलग सोचकर आई हुई थी। वो उससे हंसते हुए कहती है कि मेरे राजा कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा अभी तुम्हारे ऊपर पूरा अधिकार है। तो वह कहती है कि मैं जो चाहे वह कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते।
दोस्तों जो विलास होता है, भाई जो लड़का होता है, भाई गुस्से में आ जाता है, वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी मंशा क्या है, जो मेन बात है तुम यह बताओ ताकि मैं यहाँ से जल्दी से निकल कर जा सकूँ। लेकिन जो लड़की होती है वह कहती है कि इन 4 सालों के दौरान क्या तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि क्या मैं अपनी पत्नी से मिलकर आ सकूँ, तुम्हारी इच्छा मर चुकी है। वह उसे कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो उसे चुप करा देती है। उसके बाद वो कहने लगता है कि शायद तुम भूल गई हो कि इन्हीं बातों को लेकर हमारा तुम्हारा तलाक हो रहा है। जब भी कभी तुम्हें संबंध बनाना होता था तुम मुझे एक ही बात का ताना मार देती थी कि जब भी तुम्हें संबंध बनाना होता है तुम मुझे प्यारी प्यारी बातें करते हो, उसके बाद तुम सिर्फ ऑफिस में ही अपना ध्यान रखते हो, उसके अलावा तुम कभी मुझसे बैठकर प्यार भरी बातें भी नहीं करते हो। वह कहने लगता है कि क्या प्यार भरी बातें करना ही प्यार होता है, उसके अलावा क्या मैं तुम्हारा किसी भी बात का ध्यान नहीं रखता था, ख्याल नहीं रखता था, छोटी छोटी बातों को लेकर मैं तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था। वह कहने लगती है कि खैर छोड़ो, उन बातों को छोड़ो, आज की जो बात कर रही हूँ। दोस्तों वह कहती है कि शायद इस दुनिया में एक आध ही मर्द होगा, वह तुम्हारे जैसा, जिसके सामने इतनी खूबसूरत नौजवान दुल्हन जैसी लड़की बैठी हो और वह उसे टच भी नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों वह साफ साफ शब्दों में कह देता है कि तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना है, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। तुम्हें याद नहीं है तुम क्या भूल चुकी हो, तुमने मुझे क्या क्या कहकर ताने मारे थे। यहाँ तक कह डाला था कि तुम मर्द को खाली औरत से एक ही चीज चाहिए होती है, जब वह चीज मर्द को मिल जाती है तो वह औरत की जात भी नहीं पूछता है। तो फिर आज तुम खुद ही चलकर मेरे पास क्यों आई हो, मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो, तो आखिरकार क्या बात है, तुम खुलकर क्यों नहीं बताती हो। दोस्तों वह कहने लगती है कि मेरी कोई मंशा नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने की, ना ही मैं तुमसे संबंध बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं तो सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। जब मैं 6 महीने बाद तुम्हें कोर्ट में मिली थी, मैंने तुमको देखा था, तब तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। तुम्हारी आंखें और चेहरा देखकर कोर्ट में ऐसा लगा कि तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है, तुम सबका मोह छोड़ चुके हो। आखिरकार ऐसी क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा हंसमुख हुआ करते थे, शरीर से हटे कटे थे। आखिर इन 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि तुम किसी भी बात में, किसी भी बहस में मैं तुमसे जीत नहीं पाती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम बोलना ही नहीं चाहते हो। सिर्फ इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ, अगर तुमने यह नहीं बताया तो मैं तुम्हें शायद तलाक नहीं दूंगी। दोस्तों वो कहने लगता है कि तुम तलाक दो या ना दो, 5-4 दिन या 5-4 महीने में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और शायद उसके बाद तुम्हें मेरा चेहरा देखने को भी नहीं मिलेगा, और शायद फिर उसके बाद तुम मेरा चेहरा कभी देख भी नहीं पाओगे चाहते हुए भी। दोस्तों उसकी इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि मैं समझी नहीं, जरा खुलकर बताओ आखिरकार बात क्या है। अगर तुम शादी से लेकर अब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी जगह है, जरा सा भी तुम मुझे चाहते हो, तुमने मुझे कभी भी प्यार किया हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा क्या बात है। दोस्तों उसकी यह बात सुनकर जो विलास होता है वह टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब जो विलास होता है वह रोते हुए कहने लगता है कि जब मैं पिछली तारीख में कोर्ट में तुमसे मिला था, उसके 2-3 दिन के बाद मेरे पेट में अचानक से दर्द उठा। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप कराया, जब मेरा चेकअप हुआ, चेकअप के बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और शायद अब मैं 4-5 महीने ही जी पाऊंगा। अगर मेरी बीवी होती, मेरे बच्चे होते तो शायद एक मेरे पास मकसद होता, मैं जिंदगी से प्यार करता, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं प्यार कर सकूं, तो शायद जीवन का जीना ही बेकार है। मैं अपनी लाइफ में सारी अयाशियों को छोड़ चुका हूँ। उसकी कैंसर की बात सुनने के बाद जो उसकी पत्नी होती है, दोस्तों वह बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस पति की लंबी उम्र के लिए वह हफ्ते में 3 बार उपवास रखा करती थी और जिन उपवास को लेकर मेरे पति और मेरे बीच में झगड़ा हुआ करता था, आखिरकार वह पति अकेला पड़ गया है। वह अपनी मौत से अकेले ही जूझ रहा है, वह अपनी मौत से अकेले ही लड़ रहा है। आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होने के बाद वह अपने पति के गले लग जाती है, लेकिन उसका जो पति होता है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसने तो सोच रखा था कि इस जीवन में अब मुझे नहीं जीना है। अब जो उसका पति होता है वह कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चल गया है, तुम जो जानना चाहती थी कि मैं कमजोर क्यों हो गया हूँ, मैंने अपने जीवन से प्यार क्यों खत्म कर दिया है, तो अब मैं जा सकता हूँ। तो वह कहती है कि तुम अभी नहीं जा सकते हो। तो वह कहती है कि तुम अभी नहीं जा सकते, सुबह के 6 बजे तक तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा, यह जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद अगली सुबह हमें 10 बजे जज साहब के सामने पेश भी होना है और अपना बयान भी देना है।
ताकि हमारा तलाक हो सके, और उसके बाद शायद मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। एक बार फिर तुम्हारे पास मौका है, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी। मगर दोस्तों, जो विलास होता है उसका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है, वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कमजोर भी होता है। वह कह देता है कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। दोस्तों, अब वह दोनों बेड पर एक दूसरे से दूरी बनाकर लेट जाते हैं, दोनों अतीत की बातें करने लगते हैं, जो भी उनकी लाइफ में घटित हुआ था, जो प्यार के लम्हे थे, इन बातों को वह लेकर, जिन बातों को लेकर वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ किया करते थे, जिन बातों को लेकर उन दोनों के बीच में तलाक हो रहा था, वह सभी बातें वह करने लगते हैं। और बात करते करते फिर से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद दोनों एक दूसरे से रूठ जाते हैं, और सीमा जो होती है वह उसकी तरफ पीट कर लेट जाती है, और जो विलास होता है वह भी दूसरी तरफ उसकी तरफ पीट कर लेट जाता है। मगर दोस्तों, ऐसे माहौल में आप भी जानते हैं कि नींद किसे आए। दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर सोच में पड़ जाते हैं। करीब सुबह के 6 बज जाते हैं। जो सीमा होती है वह उठकर उसे कहती है कि अब चलने का टाइम हो गया है, आज के बाद तुम्हें मैं दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी, हमारा तलाक हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें अभी भी 1 घंटा दे सकती हूँ, अगर तुम कुछ कहना चाहो अपनी तरफ से। दोस्तों, वो मना कर देता है। तो वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना है। तो उसकी जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा, हम दोनों के जो रास्ते हैं वह अलग अलग हो जाएंगे। मैंने जो तुमसे पूछा था, जो भी बातें करनी थी, मेरे दिल में जो कुछ सवाल था, मैंने तुमसे पूछ चुकी हूँ। दोस्तों, वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। 10 बजे के करीब दोनों अपने परिजनों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो जज साहब होते हैं वो भी एक नई एनर्जी के साथ सुबह सुबह कोर्ट में आते हैं, यह सोचते हुए कि आज इस कपल का शायद मिलान हो जाएगा, एक रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद शायद वो एक दूसरे के हो जाएंगे, यह जो तलाक है आज कैंसिल हो जाएगा। इस बात की आशा करते हुए जो जज साहब होते हैं वह विलास से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक लेना चाहते हो। जो विलास होता है दोस्तों, वो जज साहब को कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। इसकी यह बात सुनने के बाद जो जज साहब होते हैं हैरान हो जाते हैं। अब जो जज साहब होते हैं वह इस तरह की बात सुनने के बाद उस लड़की से भी आशा छोड़ चुके थे कि शायद यह जो लड़की है वो भी यही बात बोलेगी कि मुझे तलाक लेना है। तो वह जज साहब जो होते हैं वह उस लड़की से पूछते हैं क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो। जो सीमा होती है वह कहती है कि जज साहब, मैं तलाक लेना नहीं चाहती, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे ये मुझे अपने साथ रखें या ना रखें, मैं जबरदस्ती इनके घर रह लूंगी, मगर मुझे इनके साथ ही रहना है। मैं दुख की घड़ी में इनका साथ देना चाहती हूँ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं इनके घर पर नई दुल्हन बनकर आई थी तो मैं 1 हफ्ते में 3 बार उपवास रखा करती थी ताकि मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए, इन्हें कोई भी रोग ना लगे, इनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही सलामत रहे, ठीक ठाक रहे। आज इनको कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है, अगर उस दिक्कत में मैं इनका साथ नहीं दूंगी तो शायद ऐसे ही दुख में ये चले जाएंगे, इसका पछतावा मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। जो जज साहब कहने लगते हैं कि ऐसा क्या दुख है, ऐसी क्या बीमारी है इनको जिसके कारण तुम इतनी बदल गई हो, और कहने लगते हैं कि इन 2 दिनों के दौरान जो मैंने देखा है, शायद मैंने पूरी जिंदगी में अनुभव नहीं किया था कि इसी कारण मैं अपना फैसला बदल रहे हूँ। तो वह कहती है कि जो मेरे पति हैं इनके पेट में कैंसर हो चुका है, इस दुख की घड़ी में मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, उसके बाद चाहे वो मेरे साथ कुछ भी हो। यह बात सुनने के बाद जो लड़की के माता पिता होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब तुम्हें पता है कि इसको कैंसर है, यह थोड़े दिनों का मेहमान है, उसके बाद यह मर जाएगा, उसके बाद भी तुम इसके साथ रहना चाहती हो, बेटे तुम अपने जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो, हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। दोस्तों, वह जो उसके माता पिता होते हैं उनको स्पष्ट मना कर देती है, कहती है कि मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, अगर आज मैं इनके साथ नहीं गई शायद मैं अपने जीवन में अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, मम्मी पापा आज मुझे आप मत रोकिए, मैं इनके साथ ही जाना चाहती हूँ। दोस्तों, अपनी पत्नी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो विलास होता है वह टूट जाता है और वहीं पर फर्श पर बैठ कर रोने लगता है। उसकी जो पत्नी होती है उसको संभालते हुए कहती है कि अब यह रोना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है, अब तुम्हारे पास जिंदगी जीने का मकसद है, तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए तुम्हें जीना होगा। दोस्तों, उसके बाद जो विलास होता है वह मुस्कुरा उठता है, खुश हो जाता है, उसकी पत्नी उसके गले लग जाती है। जो जज साहब होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, आखिरकार किसी न किसी तरह से इन दोनों का मिलन हो गया है। अब जो विलास की पत्नी होती है वह अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है।
अपने पति की केयर करने लगती है, अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखने लगती है। दोस्तों, जिन लोगों का 4 साल से तलाक अटका हुआ था, भगवान ने शायद इसी कारण इन लोगों का 4 साल तक उनके तलाक को खींच कर लंबा रख रखा था, ताकि वह दोनों एक दूसरे के हो सके। आखिरकार वह दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने लगते हैं। तो दोस्तों, यह जो कहानी है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।